अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं फूड एक्सपर्ट डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है हमारे किचन के ऐसे 10 मसाले जिनमें हर बीमारी का कुदरती इलाज मौजूद है। पाकिस्तानी और इंडियन खाने मसालों के बगैर अधूरे समझे जाते हैं। जीरा, हल्दी, काली मिर्च वगैरह जहां हमारे खानों के जायकों को दोबाला करते हैं, वहां बहुत सी बीमारियों में फौरी शिफा देने की सलाहियत भी रखते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 मसाले शामिल कर रहे हैं जो हमारे हर किचन में मौजूद होते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियों को फौरन काबू किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। इसमें सबसे पहले नंबर पर है अजवाइन। अजवाइन जहां खाने का लुत्फ बढ़ाती है, वहां इसको खाने से सेहत पर मुफीद असरात भी मुरतब होते हैं। अजवाइन के अंदर एंटीबैक्टीरिया खूबियां पेट के कीड़े मारने में इंतहाई मुफीद हैं। ये खाने के दौरान पेट में पैदा होने वाली गैस को खारिज करती है और पेचस यानी दस्त की शिकायत को भी दूर करती है। दूसरे नंबर पर है मेथी दाना। मेथी दाना खुश्क सब्जियों के सालन का जायका दोबाला कर देता है। इसके साथ साथ ये निजाम हजम को बेहतर बनाता है। मेथी दाने का इस्तेमाल डायबिटीज यानी शुगर और जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद समझा जाता है। ये बालों को भी घना और लंबा करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप थोड़ी सी मिकदार में डेली मेथी दाने का इस्तेमाल अपने खानों में करें तो इंशाअल्लाहुल अजीज डायबिटीज और जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद रहेगा। तीसरे नंबर पर है काली मिर्च। काली मिर्च इंतहाई मजेदार मसाला है जो तकरीबन हम हर खाने में ही इस्तेमाल करते हैं। ये जहां खाने का जायका बढ़ाती है, वहां पेट की बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। चौथे नंबर पर है बड़ी इलायची, जिसे इलायची कला भी कहा जाता है। खाना नमकीन हो या मीठा, बड़ी इलायची का पाउडर इसे मजीद मजेदार बना देता है। बड़ी इलायची खाने से मैदे की तेजाबियत का खात्मा होता है और हमारी खुराक जल्द हजम हो जाती है। पांचवें नंबर पर है हींग। हींग की तासीर गर्म होती है, मगर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत से मुफीद फायदे देता है, लेकिन प्रेग्नेंट खवातीन को हींग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठे नंबर पर है लौंग। हर खाने की जान लौंग सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाते बल्कि दांत के दर्द और मैदे की तेजाबियत को फौरी खत्म करने की सलाहियत भी रखते हैं। सातवें नंबर पर है खुश्क धनिया। सूखा धनिया खाने को जल्द हजम करने में इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा ये खून की गर्मी और खास तौर पर पेशाब की गर्मी को कम करता है। आठवें नंबर पर है राई। राई खाने का जायका राई से बढ़ता है और ये पेट के कीड़ों को भी मारती है और पेट की बहुत सी बीमारियों का खात्मा करती है। नौवें नंबर पर है जीरा। जी हाँ, जीरा एक इंतहाई मुफीद मसाला है जो बेशुमार खूबियों को अपने अंदर छुपाए बैठा है। ये जिस्म को डिहाइड्रेट नहीं होने देता और खाने को हजम करने में इंतहाई मुफीद है, जो पेट से गैस को खारिज करता है और मैदे को हल्का फुल्का कर देता है। और दसवीं चीज है हल्दी। एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगस हल्दी बेशुमार खूबियों की हामिल है। हल्दी एक कुदरती एंटीबायोटिक है जो मौसमी बीमारियों का खात्मा कर देती है। खास तौर पर नजला, जुकाम वगैरह में इसका कावा फौरी तकलीफ से निजात का सबब बनता है, जबकि अंदरूनी चोटें या जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए भी हल्दी मिला दूध एक अक्सीर का काम करता है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन मसाला जात से सही तौर पर मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।